खंड भट्टुकला में पंचपद को लेकर दो गांव के दो वार्ड में होगा उपचुनाव, सात पंच बने निर्विरोध। खंड भट्टुकला में पंचपद को लेकर दो गांव के दो वार्ड में उपचुनाव होगा। बुधवार को नामांकन पत्र वापसी के दिन सात पंच निर्विरोध चुने गए। गांव सिखपुर दड़ोली के वार्ड संख्या 8 व गांव बुद्धवाड़ी के वार्ड संख्या 4 में सर्वसम्मति नहीं बन पाई, जिसके चलते अब यहां 9 जुलाई को मतदान होगा, जबकि अन्य सात गांव के सात वार्ड में होने वाले पंचपद के लिए उपचुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्र में सर्वसम्मति बन जाने से एक एक उम्मीदवार मैदान में रहने से वे सभी निर्विरोध पंच चुने गए हैं, जबकि ढाणी चानेराम के वार्ड 5 से एक भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं हुआ, जिससे यह वार्ड एक बार फिर से खाली रह गया है। भट्टूखंड के में 10 वार्ड के लिए चुनाव होने थे, लेकिन 9 पंच पद के वार्डों में 14 नामांकन पत्र दाखिल हुए। ग्राम पंचायत ढाणी चंद्रराम के वार्ड नंबर 5 के लिए कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया। ढाणी चंद्रराम का यह वार्ड अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित है। यह जानकारी देते हुए रिटर्निंग अधिकारी राजेंद्र सेवदार ने बताया कि भट्टुकला के वार्ड नंबर 7, किड़ान के वार्ड नंबर 12, ग्राम पंचायत दैयड़ से वार्ड नंबर 12, ढाबी खुर्द के वार्ड नंबर 1, मेहुआड़ा के वार्ड नंबर 10 व खाबड़ा कलां के वार्ड नंबर 7 में से एक एक नामांकन पत्र रह जाने से ये सभी निर्विरोध पंच चुने गए हैं, जबकि गांव बोदेवाड़ी के वार्ड नंबर 4 में 3 नामांकन पत्र दाखिल हुए, बाद में एक नामांकन पत्र वापस ले लिया गया। बोदेवाड़ी में अब उर्मिला देवी व नीलम रानी के बीच मुकाबला होगा। वहीं सेखुपर दड़ोली के वार्ड नंबर 8 में 2 नामांकन पत्र दाखिल होने और सहमति न होने से अब मुकाबला विनोद व रण सिंह के बीच होगा। वहीं सेखुपर दड़ोली के वार्ड नंबर 11 में 2 उम्मीदवारों के बीच सहमति होने से एक नामांकन वापस ले लिया, जिसमें यहाँ निर्विरोध चुनाव हो गया। दोनों गाँव के दो वार्डों के लिए अब मतदान 9 जुलाई को होगा। गांव खाबड़ा कला में दीवार को लेकर हुए विवाद में एक घायल, मामला दर्ज। गांव खाबड़ा कला में दीवार को लेकर हुए विवाद में एक घायल हो गया। बुधवार को मिली जानकारी अनुसार घायल के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। घायल संजय निवासी खाबड़ा कला ने आरोप लगाया कि वह जब अपने घर पर था तो उसके पड़ोसी रोनित ने दीवार फांद कर उसे ईंट मार घायल कर दिया, जिस पर उसे उपचार के लिए अग्रवा मेडिकल कॉलेज दाखिल कराया गया है। उसने बताया कि उनका दीवार को लेकर विवाद चल रहा है, जिसकी रंजिश से उस पर हमला हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।